हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं बहुत ही सुंदर जाले वाला तालपोष। इसको बनाना बहुत ही इजी है। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये दो कलर से बना है। अब यहाँ पर देखिए, हम दो फिंगर्स पे ऐसे घुमा के पहले नोट लगा लेंगे। पीछे के धागे को आगे लेकर आएंगे। अब यहाँ पर हम चेन बना लेंगे। एक खास से नोट को पकड़ लेंगे। दो की चेन हम यहाँ पे बनाएंगे, 1 2। फिर अब यहाँ पे धागे को आगे करेंगे और डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमारा फर्स्ट राउंड है और इस राउंड में हमें टोटल 16 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए, एक एक करके यहाँ पे पहले एक बार निकालेंगे, फिर दो बार, और एक बार ही हमें क्रोशिया पे धागा घुमाना है। और इसी तरह करके इस नोट के अंदर ही हम यहाँ पे 16 डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। लास्ट तक कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स इसको लॉक कर देंगे। इस तरह फर्स्ट राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड राउंड है। सेकंड राउंड में हमें पहले चेन बनाएंगे, 1 2 की चेन। फिर अब यहाँ पर देखिए, हमें फंदों को इनक्रीज करना है। एक फंदे के ऊपर दो दो फंदे हम यहाँ पे बना लेंगे। इस तरह 32 हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, एक फंदे के ऊपर दो दो फंदे हम बनाएंगे। इस तरह दो राउंड हम यहाँ पे इसको कंप्लीट करेंगे। एक हमने कंप्लीट कर ली है और ये हमारा सेकंड राउंड है। ये देखिए, इस तरह पूरा हम यहाँ पे दो दो फंदे बना के पूरे 32 फंदे हम यहाँ पे बनाएंगे। ये देखिए, इसको हम अब यहाँ पे देखिए, गाइस राउंड कंप्लीट हो चुका है। इसको हम यहाँ पे लॉक कर देंगे। एक सिंगल क्रोशिया ऊपर की तरफ से बनाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर, देखिए कितना क्लीन बना है। अब यहाँ पर हम वाइट कलर को ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम 4 की चेन बनाएंगे। 4 की चेन बनाने के बाद एक फंदा स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले पे एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 4 की चेन बना लेंगे, 1 2 3 4, और नेक्स्ट वाला स्किप करेंगे और एक स्किप करने के बाद एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये देखिए बहुत ही इजी है। और अब यहाँ पे जाली वाला डिज़ाइन हम बनाएंगे। ये देखिए, फिर से इस 4 की चेन बनाएंगे और एक स्किप करेंगे फंदा और नेक्स्ट वाले पे सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरह पूरा जो हमारा राउंड है इसको कंप्लीट करेंगे। इसमें सिर्फ हमें 4 की चेन ही बनानी है और एक स्किप करना है और नेक्स्ट वाले पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने एक राउंड है जो कम्प्लीट कर लिया है। अब इसको यहाँ पर हमने 4 की चेन बना ली है। अब नीचे की तरफ एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने नेक्स्ट चेन बनानी है तो हमें ऊपर की तरफ से बनानी होगी, इसलिए हम पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, एक सिंगल, फिर 4 की चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाले चेन के ऊपर की तरफ सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये देखिए, इसी तरह फ्रेंड्स ये हमारा सेकंड राउंड है और हमें 3 राउंड कंप्लीट करने होंगे। सभी में 4-4 की चेन बनाएंगे और ऊपर की तरफ हम बिल्कुल बीच में सिंगल क्रोशिया बना के इसको लॉक करते जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जाली वाला डिज़ाइन रेडी हो चुका है। एक राउंड, दो राउंड और 3 राउंड, 3 राउंड हमने यहाँ पे जाली वाले से बनाए हैं। अब फिर से हम यहाँ पे लेंगे ब्लू कलर। ब्लू कलर अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम दूसरा कलर ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पे हम बना लेंगे पहले 2 की चेन, फिर यहाँ पे हम 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 5 डबल क्रोशिया और 5 चेन। इससे हर एक चेन के अंदर यहाँ पे हम 6-6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमने
ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम इस तरह छः छः के डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और नेक्स्ट वाले में भी सेम ऐसे ही चेन के अंदर छः छः डबल क्रोशिया बना के यहाँ पे देखिए हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हम बनाएंगे अपना नेक्स्ट डिज़ाइन और अब यहाँ पे देखिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे चेन, हम टोटल 6 की चेन यहाँ पे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 यहाँ 6 की चेन बनाने के बाद देखिए गाइस इसको बैक साइड करेंगे। बैक साइड से हम नेक्स्ट वाला जो फंदा रहेगा वहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे, देखिए इस तरह। अब हम बनाएंगे डबल क्रोशिया, उल्टी साइड से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब करेंगे हम सीधा सीधा करके अब यहाँ पे टोटल 5 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। देखिए एक एक करके यहाँ पे हम पहले इस चेन के अंदर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पे बना लेंगे देखिए 5 जब हमारा डबल क्रोशिया कंप्लीट हो जाए फिर एक की हम चेन बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने 6 डबल क्रोशिया बना लिया है और अब यहाँ पे हम बनाएंगे एक की चेन। एक की चेन बनाने के बाद यहाँ पे एक हम डबल क्रोशिया बना लिया है, 5 और बनाएंगे, इस तरह टोटल 6 हमारे हो जाएंगे। 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसको देखिए हम नीचे की तरफ बिल्कुल पास वाले फंदे के पास लॉक करेंगे। देखिए यहाँ पे दूर वाले में हमें नहीं करना है, बिल्कुल जो पास वाला है उसमें हम यहाँ पे लॉक करेंगे। एक पत्ती हमारी रेडी हो चुकी है, सेम ऐसे अब देखिए 3 यहाँ पे हम बना लेंगे सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 3 हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब यहाँ पे एक और बनाएंगे 4, चौथे वाला है यहाँ पे हम बनाएंगे 6 की चेन। ये चेन बनाएंगे फिर बैक साइड करेंगे और जो 7 वाला हमारा जो फंदा था वहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बढ़ा जाएंगे। फिर हम धागे को आगे करेंगे और एक फंदा छोड़ के जो नेक्स्ट वाला फंदा है वहाँ पे हम डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे। सिर्फ एक ही फंदा हमें उल्टी साइड से बनाना है, बाकी के फंदे हमें सीधी साइड से बनाने होंगे। अब एक फंदा हमारा बन चुका है, 5 फंदे हम और बनाएंगे, इस तरह टोटल हमारे 6 फंदे हो जाएंगे। सेम ऐसे ही रहेंगे, 6 फंदे बनाएंगे, फिर एक की चेन बनाएंगे, फिर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए फिर नेक्स्ट वाले में सेम हम ऐसे ही करेंगे, पहले हम 3 डबल सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 और फिर 3, फिर एक और बनाएंगे 4। अब फिर सेम हम 6 की चेन बना लेंगे और बैक साइड से उसको लॉक करके बनाएंगे। इस तरह फ्रेंड्स पूरे राउंड में ऐसे हम पत्तियां बढ़ा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे बहुत ही प्यारी प्यारी पत्तियाँ हमारी रेडी हो चुकी है, आप सब देख रहे हैं कितना सुंदर है, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का डिज़ाइन है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे, उसमें हम पहले वाइट कलर ले लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स हम 7 की चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाली जो हमारा रहेगी पत्ती उसके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बढ़ा देंगे, फिर 7 की चेन बनाएंगे और फिर नेक्स्ट वाला जो रहेगा वहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरह पूरे राउंड में हम यहाँ पे 7 की चेन बनाते जाएंगे और लॉक करते जाएंगे। ये देखिएगा यहाँ पे हमारा ये राउंड कंप्लीट हो चुका है
अब यहाँ पे हम चेन के अंदर बनाएंगे डबल क्रोशिया। यहाँ पे हम पहले देखिए दो की चेन बना लेंगे और उसके बाद में चेन के साथ हम 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 9 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह टोटल 10 डबल क्रोशिया हम यहाँ पे बनाएंगे। इस तरह हर एक चेन के अंदर हम यहाँ पे 10 10 डबल क्रोशिया बना लेंगे और पूरे राउंड को हम यहाँ पे इसी तरह कंप्लीट करेंगे। देखिए 10 डबल क्रोशिया हमारे यहाँ पे हो चुके हैं। अब 10 डबल क्रोशिया हम नेक्स्ट वाले में बनाएंगे। बीच में हमें कोई भी चेन नहीं बनानी है, सीधा डायरेक्ट हमें वहाँ पे डबल क्रोशिया स्टार्ट कर देना है। देखिए 10 डबल क्रोशिया अब हम यहाँ पे बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, जैसे कि आप सब देख ही रहे, ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब सेम हमें यहाँ पे जाली वाला डिज़ाइन बनाएंगे जो हमने नीचे बनाया हुआ है। पहले हम 4 की चेन बनाएंगे। फोर की चेन बनाने के बाद एक कंधा स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले में लॉक करेंगे। फिर हम 4 की चेन बना लेंगे और नेक्स्ट वाले में फिर से हम लॉक करेंगे। देखिए इस तरह करके हम 4 4 की चेन बनाते जाएंगे। जैसे कि हमने पहले जाली बनाई थी, सेम वैसे ही हम यहाँ पे जाली बनाएंगे। और इस तरह फिर यहाँ पे हम पूरा थाल पूरा देखिए पहले ये चेन बना लेंगे, फिर ये बनाएंगे और फिर ये बनाएंगे। और इस तरह यहाँ पे हम थर्ड पोस्ट जितना बड़ा बनाना है उतना बड़ा बना लेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई कम्प्लीट वीडियो।